गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सर नितिन सिंह राजपूत। आइए हम पढ़ते हैं क्लास टेंथ का हिस्ट्री लेसन का नेशनलिज्म इन यूरोप। इस लेसन को पढ़ते हैं। 2.4 रेवोल्यूशनरीज। ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 1815 द ईयर्स ऑफ द फियर्स ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे जिन्होंने अंडरग्राउंड वर्क किया था, उनमें से कुछ लीडर्स की आज हम बात करेंगे। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। क्या हुआ, कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनी कि जहां से यूरोप के अंदर जो भी क्रांतिकारक है, जो भी रेवोल्यूशनरी पीपल है, उनको ट्रेन करने के लिए यहां सीक्रेट सोसाइटीज का स्टार्टअप हुआ। टू बी द रेवोल्यूशनरी एट द मीन अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द कांग्रेस ऑफ विनिया एंड ट्राई एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। व्हाट हैपन, क्या हुआ था कि जो क्रांतिकारक थे, एक्चुअली ये जो मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कांग्रेस ऑफ विनिया 1815 के बाद में यहां पे यूरोप के अंदर कांग्रेस ऑफ वियना ने क्या किया, पूरे यूरोप में एक तरह से मोनार्ची को लाया। और सारे जो नेशनलिस्ट थे वे चाहते हैं कि लिबर्टी मिले, आजादी मिले, फ्रीडम मिले। मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज आल्सो सॉ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। और बहुत सारे क्रांतिकारक लोगों का कहना था कि देश जो है ये आजाद होना चाहिए और उनके फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही एक इंडिविजुअल पर्सन, एक हमारे इटालियन रेवोल्यूशनरी जेसिपी मैजिनी है, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। सो नाउ विल ट्राई टू लर्न अबाउट दैट। सो जेसिपी मैजिनी विल ट्राई टू स्टार्ट। वन सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन रेवोल्यूशनरी जेसिपी मैजिनी, बॉर्न इन जिनेवा। तो जेसिपी मैजिनी, जिनका जन्म ये जिनेवा में हुआ 1807 में, ही बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कैनबरी। तो वो सीक्रेट सोसाइटी के पहले मेंबर बने। एज ए यंग मैन ऑफ 24, उम्र के 24 साल में, ही वॉज सेंट टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। उम्र के 24 साल में इनको देश से हद्दपार कर दिया था कि उन्होंने 1831 में लिगुरिया जैसे कंट्री के अंदर रेवोल्यूशन कर दिया था, कोशिश किया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। जैसे भी मैजिनी, इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, फोर्स यंग इटली एंड यंग इटली दैट इज इन मर्सलेज इन फ्रांस एंड सेकेंड वन यंग यूरोप इन बर्न। हुज मेंबर्स वेर लाइक माइंडेड यंग मेन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। अब यंग इटली, यंग यूरोप दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई और इसके जो मेंबर्स थे वे डिफरेंट कंट्रीज के थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी के थे। अब जेसिपी मैजिनी, इनका कहना क्या था, इनका थिंकिंग ऑर्डर क्या था। जेसिपी मैजिनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मनकाइंड। जेसिपी मैजिनी का कहना है कि भगवान ने सारे देश जो है ये नेचुरली सभी मनकाइंड के लिए बनाए हैं, सभी इंसानों के लिए बनाए हैं। सो इटली कुड नॉट बी कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। इसलिए जेसिपी मैजिनी का कहना है कि इटली जो है ये छोटे छोटे स्टेट्स में या किंगडम्स में बंटना नहीं चाहिए। इट हैड टू बी फॉर्ज इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन द वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। यहाँ पे हमें यूनिफिकेशन करना होगा और अलायंस करके देश अलग अलग पार्ट्स को मिला के एक अलायंस करके नेशन को रीबिल्ड करना होगा। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेस्ड ऑन इटली इन लिबर्टी। और जब यूनिफिकेशन होगा तभी इटली में लिबर्टी आएगी, आजादी आएगी। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज दैट स्टार्टअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। तो ऐसे ही सीक्रेट सोसाइटीज और भी डिफरेंट कंट्रीज में बनी, जैसे जेसिपी मैजिनी ने फ्रांस में यंग यूरोप, यंग इटली ये जो दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, वैसे ही जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज बनी। जेसिपी मैजिनी रिलेटलेसली अपोजिशन टू मोनार्ची। जेसिपी मैजिनी इन्होंने
मोनार्ची को बहुत अपोज किया, विरोध किया, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स. वे चाहते कि डेमोक्रेसी आना चाहिए, इसलिए कंजर्वेटिव्स डेमोक्रेसी जिसवी मैजिनिस्ट काफी डरते भी थे. मेटरनिच ने क्या कहा है? मेटरनिच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर. कहते कि समाज में बदलने वाला, समाज को तब्दील बदलाव लाने वाला एक ही इंसान है, वो है जेसीपी मैजनी. ही कैन चेंज एनीथिंग. तो ये शॉर्ट नोट है. आज हमने पढ़ा द रेवोल्यूशनरी 2.4. ये टॉपिक में से जेसीपी मैजनी, इन पे शॉर्ट नोट लिखो, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है. अगला क्वेश्चन नाउ वी स्टार्ट, पढ़ेंगे हम उसको. ओके, तो वी स्टार्ट नाउ नेक्स्ट टॉपिक. अभी अगले टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग. तो एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830s 1848, तो एज ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, तो एज ऑफ रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ, नाउ वी डिस्कस. एज द कंजर्वेटिव रिजिम ट्राइड टू बी कंसोलिडेट देयर पावर. अभी क्या हो गया कि ये जो कंजर्वेटिव थे अपनी पावर्स ये एस्टेब्लिश कर रहे थे. सो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप. और यूरोप में इटालियन जर्मनी स्टेट्स में, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड में यह रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था. दिस रेवोल्यूशन लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास. जो भी रेवोल्यूशन हुआ, मिडिल क्लास के लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने काफी इसमें पार्टिसिपेट किया. प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ क्रोमोशियल मिडिल क्लास, दे टुक इन अ बेटर वे. द फोर्स ऑफ विल स्टार्ट टुक प्लेस इन फ्रांस जुलाई 1830. तो पहला जो स्टार्ट था, ब्रेकआउट था, ये जुलाई 1830s में फ्रांस में हुआ. बॉर्बन किंग्स वो हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वेर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरी हु इंस्टॉल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची विथ लुइस फिलिप एट द हेड. 1830s में बॉर्बन फैमिली के जो राजा थे, जो कंजर्वेटिव ने 1815 के बाद में इनको इंस्टॉल किया था, वे लुइस फिलिप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बने. और मेटरनिच का क्या कहना है, मेटरनिच फिलोसोफर है, उनका क्या कहना है, व्हेन फ्रांस नीज, जब फ्रांस जीतता है. मेटरनिच वंस रिमार्क दैट व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. मतलब क्या है कि जो भी फ्रांस में एक्टिविटी होती है, इन सारी एक्टिविटीज का रेस्ट ऑफ द यूरोप पे असर होता है. द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क अप अप्राइजिंग ब्रुसेल्स विथ लेट द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड. और जैसे जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, ब्रुसेल ये बेल्जियम का जो टुकड़ा था, हिस्सा था, वो यूनाइटेड किंगडम नेदरलैंड से अलग हो गया. एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस द यूरोप वॉज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सबसे पहले इवेंट जो ही नेशनलिस्ट लोगों में फीलिंग्स आई, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, यहाँ ग्रीक मतलब ग्रीस कंट्री के अंदर जो ग्रीक वॉर हुआ यूरोप में आजादी के लिए. ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th century. तो 15वीं शताब्दी में ओटोमन एम्पायर, ये ओटोमन एम्पायर जो मुस्लिम एम्पायर है उनके अंडर में था. ग्रीस किसके डोमिनेशन में था? ओटोमन एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर के अंडर में था 15th century में. द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्कल ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमोंग द ग्रीस विच वॉज बिगैन इन 1821. अब ग्रीस के अंदर जो यूरोपियन लोग हैं, ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे. दे स्टार्टेड द मूवमेंट. सो वी आर डिस्कसिंग, यहाँ हम डिस्कस कर रहे कि कैसे स्ट्रगल हुआ और ओटोमन एम्पायर 15th century से यहाँ पे रेवोल्यूशनरी जो लोग थे, वो नेशनलिस्ट लोग थे यूरोप में, ग्रीस को आज़ाद करना चाहते थे. और ग्रीक को आज़ाद करने के लिए स्टार्ट हुआ 1821 से ही. नेशनलिस्ट ऑफ ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो मेनी वेस्ट यूरोपियंस हैड सिंपथी फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर.
नाउ यूरोपियन लोगों का क्या मानना था, सारे यूरोप के लोग जो थे उन सभी का मानना था कि सारे यूरोपियंस का मानना था कि एक्चुअली क्या है कि सारे यूरोपियंस मानते थे, क्या मानते थे कि ग्रीस क्या है, ग्रीस इज द क्रैडल, ग्रीस कंट्री एक क्रैडल है हमारा यूरोपियन सिविलाइजेशन का। सो सिविलाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, वेयर डिड सिविलाइजेशन स्टार्टेड, सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन ग्रीस, ग्रीस में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ और ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर ने 15 सेंचुरी से कब्जा करके रखा था। अब जो लोग ग्रीस से एग्जाइल हो चुके हैं वो बाहर से यहाँ ग्रीक नेशन को आज़ाद कराने के लिए हेल्प कर रहे हैं। कुछ ग्रीक गॉड द सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक, दोज आर एग्जाइल फ्रॉम द ग्रीक एंड वेस्ट यूरोपियन हैड अ ग्रेट सिंपथी फॉर द एंशियंट ग्रीक कल्चर। जो यूरोपियंस लोग थे उनको काफ़ी सिंपथी थी ग्रीस के लिए, ग्रीस के लिए सिंपथी थी इन सारे कंट्रीज के। अब इनके लिए सिंपथी क्या थी, क्या कैसे सिंपथी थी, देखो सिंपथी कैसे थी कि जो ग्रीस था ये यूरोप में जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ग्रीस में स्टार्ट हुआ। अब पोएट आर्टिस्ट ग्रीस में ये यूरोपियन सिविलाइजेशन को मोबालाइज पब्लिक ओपिनियन बना रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। अब मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे आर्टिस्ट पोएट ग्रीस में, सारे जो लोग है यूरोपियन सिविलाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठ रहा है। वन ऑफ द पोएट दैट इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, नाउ विल डिस्कस अबाउट लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन इंग्लिश पोएट थे, इन्होंने 1824 में यहाँ क्या किया, इन्होंने फंड इकट्ठा किया और अकेले ही चल दिए वॉर के लिए और रास्ते में वे डाइड भी हो गए बुखार आने से 1824 में। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पे एक ट्रीटी होता है और आखिर में ग्रीस इस कंट्री को एज अ फ्री नेशन डिक्लेयर किया जाता है। सो हियर एंड ऑफ द टॉपिक, हाउ ग्रीस वॉज द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर 15th सेंचुरी एंड हाउ द पीपल ऑफ ग्रीस कंट्री, मिडिल क्लास पीपल, पीपल फ्रॉम द यूरोप, पीपल फ्रॉम दोज आर एग्जाइल फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम ग्रीस, ऑल पोएट आर्टिस्ट दे डू द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर एंड इन 1832 दे गॉट द फ्रीडम। सो नाउ 3.1, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू द टेरिटोरियल एक्सपांशन। तो डेवलपमेंट जो नेशनलिज्म की है ये केवल यहाँ आप देखोगे कि जैसे डेवलपमेंट जो हुआ नेशनलिज्म में, यह केवल कल्चर प्ले इम्पोर्टेंट रोल तो अदा करता है नेशन को बिल्ड कराने के लिए, लेकिन आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हेल्प करती है। तो शेप द पब्लिक ओपिनियन, लोगों के मन में पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब कैसी करती है हम पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। रोमांटिस आर्टिस्ट पोएट, इन्होंने भी साइंस और रीजन के आधार पर किसी भी चीज़ को देखना चाहिए ऐसे बताया गया था। एक्चुअली कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नेशन को बिल्ड करने में। आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, ड्रामा, म्यूजिक, ये भी लोगों के मन में, दिलो दिमाग में नेशनलिस्ट की फीलिंग लाता है। व्हेन यू हर्ड वंदे मातरम यू आर टू मच एक्साइटेड एंड यू वांटेड टू बी हैप्पी इज अ पार्ट ऑफ नेशन। वैसे ही कल्चर, आर्ट, पोइट्री, ड्रामा, स्टोरीज भी हमें नेशन बिल्ड करने के लिए एक्साइटमेंट, एक तरह से मोटिवेट करता है। आइए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन का। सो कैसे आर्ट, पोइट्री इंस्पायर करता है, डिस्कस करते हैं। एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इट इवोक द इमोशंस, हमारे इमोशन को जागरूक करता है। फीलिंग एंड एफर्ट्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शैटर कलेक्टिव हेरिटेज, हमें देश हमारा एक नेशन बिल्डिंग के लिए और बढ़ना चाहिए। और सेंस ऑफ यूनिटी, कॉमन कल्चर, वी शुड ग्लोरी द पास्ट अवर नेशन। सो
अदर रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर भी जोहान गोडरफोल्ड हर्डर थे 1744 से लेकर 1803 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मन कल्चर को डिस्कवर किया, गांव गांव घूमे, कॉमन कल्चर को इकट्ठा किया, फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस इसको इकट्ठा किया और नेशन बिल्ड करने के लिए काफी फेमस भी हुए। सो लोगों को लगता है ये मेरे गांव का है, ये मेरा कल्चर है, ये मेरा देश है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कलेक्टिवनेस, ये कल्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो ये माइंड बिल्डअप भी करता है नेशन बिल्डिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द इम्पेटस ऑफ ऑन वर्नेकुलर लैंग्वेज कलेक्टिव ऑफ लोकल फोकलेयर वॉज नॉट सो recover an incident national spirit but also carry the modern nationalist message to the large audience who were morally illiterate। अब देखो कि आपको जान के खुशी होगी कि लैंग्वेज भी हमारे एक तरह से हमारे बीच में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर नेशन बिल्डिंग, देश को बिल्डिंग करने बिल्ड करने के लिए लैंग्वेज एक वेपन बन सकता है। नाउ टेक अस द एग्जांपल ऑफ पोलैंड, पोलैंड का एग्जांपल लेंगे। पोलैंड में क्या हुआ था 18th century में, जब ग्रेट पावर्स रशिया ऑस्ट्रेलिया इकट्ठा हो गए थे, तो इधर पोलैंड में भी इंडिपेंडेंट टेरिटरी एग्जिस्ट जो था रशिया ने डोमिनेट करके रखा था, और म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू लोगों ने कैसे फीलिंग जागृत की। कोरल क्रस भी ये इन्होंने नेशनल स्ट्रगल के लिए अपेरा म्यूजिक ड्रामा का इस्तेमाल करके लोगों में एक तरह से नेशनल सिंबल्स और फोक डांस से यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश की थी। लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, रशियन ऑक्यूपेशन पॉलिश लैंग्वेज वॉज सपोज टू बी आउट एंड स्कूल। जैसे रशिया ने क्या किया था, पोलैंड के अंदर जो स्कूल थे तो पॉलिश लैंग्वेज को निकाल दिया और सारे बच्चों को रशियन लैंग्वेज फोर्स कर दिया था सभी दूर। 1831 में आर्म रेबेलियन ने रशिया ने क्या किया, रशिया के रूल ने यहाँ पे जो फीलिंग थी लोगों की, क्लर्जी पोलैंड में जो क्लर्जी लोग थे वे लैंग्वेज को वेपन की तरह इस्तेमाल करते थे। एक्चुअली क्या है कि रशिया ने स्कूल में बच्चों को रशियन लैंग्वेज को फोर्स कर दिया, पोलैंड की पॉलिश लैंग्वेज है, अब यहाँ के जो रिलीजियस जो प्रिस्ट है या बिशॉप है वे पोलैंड की जो पोलिश लैंग्वेज है उसको वेपन की तरह इस्तेमाल किया। एक्चुअली पोलिश लैंग्वेज चर्च में इस्तेमाल होती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो पोलिश दैट वाज यूज इन चर्च फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वेर गिवन इन पोलिश लैंग्वेज। सो हियर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रशियन लैंग्वेज चर्च priest and bishop use the Russian Polish language instead of Russian language, so being angry all the Russian authority they make all the priest and bishop put sent into Siberia ke jail mein dal diya, Russian authority ne punishment diya, aur yahan pe aapne dekha ki kaise use of Polish language became the symbol of struggle for the रशियन डोमिनेंस, तो रशियन डोमिनेंस के खिलाफ कैसे यहाँ एक वेपन बन गया। आई होप लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। 3.2 हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, 1830s वाला पीरियड जो था मंदी वाला पीरियड था, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप वाला पीरियड था। एक्चुअली क्या हुआ, 19th century के फर्स्ट हाफ में पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन इंक्रीज इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, enormous population all over the Europe increase. In most countries there were more seekers of job than employment, logon ko job chahiye tha, employment nahi tha, population badh gaya tha, mandi wala period tha. Population from rural areas migrate to cities, live in overcrowded some area, gaon se log shehar aaye, shehar mein log overcrowded cities mein rehne lage, employment dhoond rahe the log, population badh gaya tha. Small producers in towns were often faced the steep competition from imported cheap machines made goods from England, where industrialization was more advanced than on continent. क्या हो गया कि जो छोटे producers जो town के अंदर थे वे काफी machines के goods को उसके सामने नहीं टिक पाए,
मशीन गुड्स काफ़ी अट्रैक्टिव और फिनिशिंग उसका सही था। इंग्लैंड से जो मशीन्स आई थी वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रही थी और उसके सामने लोकल जो प्रोड्यूसर्स थे वो टिक नहीं पाए। दिस वॉज स्पेशली सो टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन के बारे में हुआ और यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी जानते हैं घर में स्मॉल वर्कशॉप में उस समय हो रहा था, तो मशीन के सामने नहीं टिक पाए। यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी को अभी भी एरिस्टोक्रेसी के पास में स्टील पावर एंजॉय कर रहे थे, पीजेंट्स अभी भी फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन में दबे हुए थे, एक तरफ फूड प्राइसेस की कीमत बढ़ चुकी थी, बैड हार्वेस्ट हो रहा था और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था। सी द कंडीशन, रोजगार नहीं है, मशीन्स इंसान से ज़्यादा काम कर रही है, इंसान को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, किसान टैक्स पे कर रहे हैं, फूड की प्राइसेस बढ़ रही है, बैड हार्वेस्ट हो रहा है, कंडीशन काफ़ी ख़राब है 1830s का, इट इज़ वेरी बैड टाइम। द ईयर ऑफ 1848 वॉज सच वन ईयर, फूड शॉर्टेज वॉज देयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, पॉपुलेशन ऑफ पैरिस इज आउट ऑफ ऑन रोल। क्या हुआ 1848 में पॉपुलेशन जो बढ़ चुका था, फूड शॉर्टेज हो गया था, लोगों को रोजगार नहीं थे, तो ऐसे में लोग रास्ते पे आए, लुइस फिलिप के पैलेस के ऊपर अटैक किया और लुइस फिलिप में तो डर गया, लुइस फिलिप भाग गया, लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली, लुइस फिलिप भाग गया। आइए हंगर हार्डशिप, पॉपुलेशन बढ़ गया, खाने को नहीं है लोगों को, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सी द कंडीशन, इट इज़ टू मच बैड, है ना, कैसी कंडीशन होगी, ऐसे लोग रहे होंगे। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक बनाया और सभी लोगों को अबाउट 21 जो थे सबको राइट टू वोट दिया। अब यहाँ और एक स्टोरी है 1845 की, साइबेरियन कंट्री की, इसको हम पढ़ते हैं। क्या हुआ था साइबेरिया में, सॉरी सिलिसिया, एक रिवॉल्ट के बारे में बताया गया है कि 1845 में यह एक कॉन्ट्रैक्टर था जो रॉ मटेरियल देख के फिनिश गुड्स बनाता था और यहाँ पे उल्मो रिडोल्फ, इन्होंने जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये स्टोरी हमें बताई है कि सिलिसियन गांव के अंदर लगभग ऐसे 18,000 ऐसे गांव में जो ऑर्डिनरी पीपल वीवर्स थे, जो वीविंग करते थे, कॉन्ट्रैक्टर आता था, एक तरह से रॉ मटेरियल देके फिनिश गुड्स लेके जा रहा था। 18,000 इनहैबिटेंट्स कॉटन वीविंग जो थे ऑक्यूपेशन कर रहे थे और मिजरी क्या है, इनकी काम की कंडीशन काफ़ी एक्सट्रीम थी। देखो, पीपल नीड द जॉब मोर एक्यूट, द डिस्परेट नीड्स ऑफ जॉब हैड बीन एडवेंचर एंड द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ गुड्स बाय ऑर्डर। एक्चुअली क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्टर था रॉ मटेरियल दिया करता था, फिनिश गुड्स लेके जा रहा था, लेकिन जब फिनिश गुड्स की बात आई तो यहाँ जब फिनिश गुड खरीदने की बात आई तो कम कीमत में व्यूवर्स को रिटर्न्स दिया करता था, लोग वेजेस ज़्यादा चाह रहे थे, कंडीशन काफ़ी ख़राब है। 4 जून दोपहर 2 बजे एक लार्ज क्राउड इकट्ठा हुआ, व्यूवर्स इकट्ठा हुए और उन लोगों ने सीधे इस कॉन्ट्रैक्टर के घर पे मैशन पे अटैक किया, वहाँ मार्चिंग किया, एक तरह से हम अटैक नहीं कहेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के घर वे लोग गए थे। पीपल मार्च टू द मैशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द डिमांड ऑफ हायर वेजेस। अब यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्टर आया और कॉन्ट्रैक्टर यूज बैड वर्ड्स, स्क्रोनफुल थ्रेटनिंग वर्ड्स फॉर द पीपल, ये पीपल बिकेम एंग्री, अ ग्रुप ऑफ देम अटैक ऑन द हाउस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड दे स्मैश द एलिगेंट विंडोज फैंस फर्नीचर, फर्नीचर को तोड़ दिया, विंडोज को तोड़ दिया, जमीन की फर्श को तोड़ दिया। एक ग्रुप ऑफ लोगों ने क्या किया, स्टोर हाउस गए, स्टोर हाउस में जो छुपा के जो क्लॉथ रखा था लूट लिया, प्लंडर द सप्लाई ऑफ क्लॉथ, टोर्न इन शीट्स, फाड़ दिया सारे कपड़े फाड़ दिए, इधर बंगलों की नासधूस कर दी, खिड़कियाँ, फर्नीचर, फर्श सब तोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्टर डर के मारे फैमिली को लेके नेबरिंग विलेज में भागता है, बट व्हाट हैपन, द कॉन्ट्रैक्टर फ्ली अवे विद हिज फैमिली टू द नेबरिंग कंट्री, बट ही रेफ्यूज टू शेल्टर, उधर लोग सहारा भी नहीं देते, ऐसे इंसान को कौन सहारा देगा। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर, 24 घंटे के बाद में कॉन्ट्रैक्टर वापस आता है, आर्मी लेके आता है,
एंड नेक्स्ट चेंज दैट फॉलोड 11 व्यूअर्स वर शॉट, तो 11 लोगों को मार देता है। एक सिलिसिया की यहाँ पे स्टोरी बताई, कैसे यहाँ पे सिलिसिया में लोगों को बुराई, इतना कॉन्ट्रैक्टर के जुलुम सहना कड़ा, इतना मेहनत करने के बावजूद भी रिटर्न्स नहीं मिला, आखिर में क्या हुश्र हुआ कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, आई हमने पढ़ा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखना अगर कोई गलती हो तो। थैंक यू एवरीवन, बाय चिल्ड्रन।